बारामती के अलग अलग इलाकों में सुनेत्रा पवार जी घूम घूम कर लोगों से मुलाकात कर रही हैं, एक जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। इनसे जानते हैं सुनेत्रा जी किस तरह का संदेश आप लोगों को दे रही हैं उनसे मिलकर। अभी आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन लगे हैं, संदेश आने हम मिल रहे हैं हर 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 कोई जनता से और संदेश दे रहे कि संभावित जो उम्मीदवार है लोगों ने हमको चुना है तो उनको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है तो जाके मिल रहे हैं हम लोग जी। तो लोग अपनी समस्याएं भी आपको बता रहे हैं और आपने कुछ उनको आश्वासन भी दिया है कि आगे किस तरह से उनकी जो समस्या का निराकरण है उसके लिए आप किस तरह से प्रयासरत रहेंगी, प्रयास करेंगी। जी, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोई ना कोई समस्याएँ आती है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ आए हैं, यहाँ तो पानी की समस्या बहुत बुरी तरह से चिंतित है लोग, फार्मर्स को पानी नहीं है, पीने के लिए भी यहाँ की पानी का प्रॉब्लम है। तो जहाँ स्थानिक लेवल का प्रॉब्लम है वहाँ तो जल्दी से हम यहाँ के लोगों से बात करके छुड़वा सकते हैं, लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम है वो दादा के माध्यम से या और कोई माध्यम से छुड़वाने का प्रयत्न कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से जो मौजूदा सांसद हैं सुप्रिया सुले जी, उनके साथ में आपका मुकाबला है। अब एक तरफ वो आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हैं, दूसरी तरफ वो आपकी ननन भी हैं, तो क्या इस राजनीति की वजह से कोई पारिवारिक रिश्तों में किसी प्रकार की खटास आ रही है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि पारिवारिक संबंध अलग से है, राजनीति के संबंध अलग से है, इसलिए मुझे लगता है कि दोनों अपने अपने जगह हैं, हमारे कोई संबंध खटास नहीं आ सकता।